इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार आज आईएएस डीके रवि की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को खत लिखकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ये मांग मान सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीबीआई जांच का ऐलान हो जाएगा। राघवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब राघवन, क्या इसमें और डिटेल आ रही है? जी देखिए, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रेशर है, कह सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हर तरफ से सरकार घिरी हुई है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। और हमारे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये होगा कि इस मामले में पूरी तरह से डिस्कस किया जाए, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं सरकार पे कि उनके कुछ आला मंत्री और कुछ नेता इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 12 बजे की मीटिंग इस मायने में काफी अहम हो जाएगी कि इस पर सरकार एक फैसला ले सकती है कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल भी रवि के परिवार वाले जब विधानसभा के सामने प्रदर्शन पर बैठे थे तब मुख्यमंत्री के मान मनोवल के बाद भी वो नहीं माने। उनका ये कहना था कि जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि विपक्ष जो है वो लगातार प्रेशर बनाए हुए है। कुछ देर में अभी असेंबली की कार्यवाही शुरू होने वाली है और हंगामे के आसार है। उसके बाद विपक्ष ने यह तय किया है कि वो विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करवाने का दबाव डाल रहे हैं। जी, यानी कि मुख्यमंत्री पर काफी ज्यादा, सरकार पर काफी ज्यादा दबाव है। हालांकि सरकार लगातार ये कहती रही है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके का विरोध हो रहा है उसके बाद ये सिफारिश की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।